आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी का बहुत ही अच्छा सब्जी और बिना तेल बिना मसाले के जो बहुत टेस्टी बनता है, बिना तेल बिना मसाले के और हेल्दी भी टेस्टी भी और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है लौकी। तो मैं बनाने वाली हूँ और मैं थोड़ा सा लौकी उबल जाएगा तो इसका मैं थोड़ा सा रायता भी बनाऊँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें। अब मैं इसे छील के तब मैं इसे छील के उसके बाद मैं इसका काटूंगा। ऐसे हम मैं कद्दू छीनने वाली हूँ, ये देख सकते हैं छीलने की मदद से। और आपके घर में अगर छिली नहीं है तो आप ग्लास की मदद से भी छील सकते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में हमारे घर में जब छीलना नहीं हुआ करता था तब गिलास से ही हम लोग की दादी छीलती थी। ये देखिए मैं गिलास से छीलूँगी, देखिए कैसे छिला रहा है ऐसे, जिसके घर में छीलनी नहीं है। अब तो सबके घर में ही होता है। नहीं दूल्हा देखने में सुंदर, बेबी सुंदर चाहिए, सारा इसको एक फन चुना चाहिए, उसको भी फन चुना चाहिए। मैं लौकी काट के रखी हूँ, अब मैं इसे धो के डायरेक्ट कुकर में डाल दूंगी। नमक हल्दी डाल के कुकर में लगा दूंगी, एक सीटी मार दे, क्योंकि दो लौकी मेरे हैं बहुत ही खिच्चा लौकी है, बहुत ही ज्वाल बिल्कुल नहीं है। अब मैं तो सीटी लगा दूंगी, एक सीटी लगाऊंगी उसको तो उतार के छोंक दूंगी मैं। कढ़ाई हो चुके हैं गरम, अब डाल दूंगी तेल, जीरा और लहसुन, सूखा मिर्ची। ये जो है ना कढ़ाई में तो थोड़ी देर पहले चढ़ा दी थी, ये मैं भुजिया बनाई थी, धोई नहीं ना, इसी को लाल हो गया। तो कढ़ाई देखिए क्या कर, मसाला बिल्कुल नहीं डालूंगी मैं। इसे ढक दूंगी अच्छे से, अब पूरा पानी सुखा दूंगी।
खीरा खाते हैं जी खीरा खीरा आप ही ना बोले नहीं खाएंगे।